श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवी को, चंडी को, 64 योगनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगनियां देवियां नवरात्र में जितनी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां इस बेलपत्र की जड़ की माला के आगे रखी की है। सारी यहां पक्ष महापुराण लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बाधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको बता सकते। केवल श्री नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। उस जीव को वो प्रेत बाधा कमी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज बेलपत्र जो जड़ की माला सिद्ध करी जाती है, उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान के, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर, हाँ एक बात को ध्यान रखना, बेल पत्र की जड़ की माला ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला के मन के 108 हो, रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें, अर्थात 108 से नीचे के क्रम में रखें, 71, 81, 51, 11, 21 मारा ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए उस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता। उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े, मारा उसका स्मरण भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़ेगा। जो भगवान शंकर ने अमर गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया उसमें भी इसका भाव था। किसी काम के लिए आप जा रहे हैं और वो काम अटक रहा है तो शंकर पर चढ़ा हुआ, अभिषेक किया हुआ, स्मरण किया हुआ रुद्राक्ष का पानी मात्र आप पीकर चले गए, आपका कार्य तो सफल होगा, ये पक्का कार्य सफल हो जाए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।